जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं आपका 23/01/2019 CBT 2 RRB ALP एंड टेक का जो परीक्षा हुआ था उसका सेकेंड शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट? सेकेंड शिफ्ट। इस शिफ्ट में आपका कुछ 15 से 16 सवाल ऐसे हैं जो पढ़ाने लायक है, बाकी के बाकी सवाल आपके आसान हैं। माध्यमिका से एकदम आसान आसान सवाल दिया हुआ है, आप देखिएगा। भाई स्टार्ट करने से पहले आप मेरा बात सुन लो, पगड़ी हम काहे बांधे हैं? ठंडा बहुत है, टोपी छूट गया है घर पे, और घर हमारा यहाँ जो स्टूडियो है उससे दूर है और ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो पगड़ी बांधना पड़ा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगर किसी को बुरा लगे तो वैसे लगना नहीं चाहिए, को कंटेंट से मतलब है, ठीक है। और भाई जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिए, और आप सेशन को पूरा देखिए, पूरा देखिए कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि जंग का तैयारी हम लोग युद्ध से बहुत पहले शुरू कर चुके हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि दुश्मन के औकात से ज़्यादा आप तैयार रहिएगा और मजबूत रहिएगा ना, तब आप जंग जीतेंगे। रेलवे का एग्जाम जंग से कम नहीं है, बहुत लोग भरेगा, औना पौना डेढ़ पौना फॉर्म भर देगा सब, लाखों लाख लोग फॉर्म भरेगा और सीट हजारों में है। आप देखिए आप कहाँ हैं, तो आप अभी से लग जाइए हम लोग के साथ में, एकदम एक एक सेट आपका डिस्कस करवा देंगे पूरा, जितना भी होगा ALP का, 2018 का, 2019 का CBT 1 CBT 2, उससे पहले वाला भी हम लोग करवा देंगे सबके सब। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए, और भाई सपोर्ट नहीं मिलेगा ना तो हम मेहनत अपना किसके लिए, किसके लिए मेहनत करेंगे मेरे शेर, किसके लिए मेहनत करेंगे रात दिन, किसके लिए। भोजपुरी गाना को एकदम लाइक दे देते हो मच के पूरा, अरे भैया गाना में लाइक देखो तो दिमाग का तोता उड़ जाता है। तो आप सेशन को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। हाँ वैसे नहीं, पहले आप शुरू से लास्ट तक देख लीजिए, अच्छा लगा तो लाइक मारिए, अच्छा लगा तो शेयर मारिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई अभिषेक सर अभी, इनका नाम क्या है अभी, और हम लगा देते हैं इनमें शेख, तो अभिषेक सर जो हैं जो मिल्क शेक पीते हैं बहुत ज़्यादा, अभिषेक सर को आप लोग सपोर्ट करिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। मेरा टोटल काम वही कर रहे हैं, हम बस उनको वीडियो प्रोवाइड कर दे रहे हैं, बाकी बेचारा सारा का सारा मेहनत खुद कर रहा है आप लोग के लिए, कि ताकि चैनल आगे बढ़े, चैनल एक एक आदमी तक पहुंचे, चैनल का कंटेंट पहुँचे। इस पर सिर्फ कंटेंट है, कंटेंट के सिवा कुछ नहीं है, कोई भी फेक न्यूज ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ कंटेंट है, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इन्हीं सब बातों के साथ आप एग्ज़ाम का डेट देख लीजिए, 23/01/2019। आप किसी भी, जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, आप उससे मिला लीजिएगा। और इसी बातों के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का जंग, और ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 शिफ्ट, मैंने आपको क्या बताया, यार ठंड बहुत ज़्यादा है और टोपी मेरा छूट गया है, तो ठंड से बचना बहुत ज़रूरी है कहता है। हाँ शिफ्ट मैंने आपको क्या बताया कि 23/01/2019 सेकेंड शिफ्ट CBT 2 ALP का, CBT 2 जो मेंस होता है उसका पहला सवाल। देखिए कहता है कि एक ट्रक जो है 2.5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी चाल क्या है, चाल निकालना है। आप याद रखिए चाल निकालने के लिए आपको दूरी और समय दोनों की जानकारी होना चाहिए। तो ये 2.5 घंटा में चलता है 450 किलोमीटर। अब भाई बाइलिंगुअल वाला को कोई दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। तो अगर स्पीड निकालना है ना, तो स्पीड इक्वल टू आपको मालूम होना चाहिए कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस में 3 वेरिएबल है, स्पीड डिस्टेंस और टाइम, स्पीड डिस्टेंस और टाइम,
इन तीन वेरिएबल में दो वेरिएबल का जानकारी आपको रहेगा तो आप तीसरा निकाल लेंगे आसानी से। अगर आपको इन तीन वेरिएबल में एक वेरिएबल का, सिर्फ एक वेरिएबल का जानकारी दे, जैसे कि आपको मान लीजिए कि टाइम बता दिया और स्पीड और डिस्टेंस के बारे में कुछ ना बताएं, तो आप जो है कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए तो जी, स्पीड पूछा है और 450 किलोमीटर जाता है 2.5 घंटा में। आप इसको कई तरीक, आप इसको यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको नहीं जाना है। तो आपका डिस्टेंस है 450 किलोमीटर और टाइम लगा है 2.5 घंटा, मतलब 2 घंटा और आधा घंटा, 2.5 आवर। 2.5 आवर, इसको हम 5/2 लिख ले, तो 5 × 45 = 90, ये दो ऊपर जाके गुना हो जाएगा, स्पीड मेरा आ जाएगा 90 × 180 किलोमीटर/आवर, क्योंकि टाइम आपका आवर में दिया है, डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है, तो जो स्पीड आएगा वो आपका किलोमीटर पर आवर में आएगा। लेकिन आप एक नज़र ऑप्शन पे देखो मेरे भाई, ऑप्शन सारा का सारा ना मीटर पर सेकेंड में है। इसका मतलब ये है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो आप याद रखिए, किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो ना, तो किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कैसे, देखो अब कैसे बहुत डिटेल में यहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते हैं, एग्जाम में आए हुए सवाल है, सीधा अप्रोच देखेंगे। ठीक है, तो किलोमीटर से हमको मीटर पर सेकेंड में जाना हो तो 5/18 से, और अगर मीटर पर सेकेंड से आपको किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो मीटर पर सेकेंड में 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए, आप इसको याद रखिएगा। अब आते हैं सवाल पे। सवाल कुछ भी नहीं है मेरे भाई, 180 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो 180 × 5/18, 18 से 18 कैंसिल, 10 × 50 मीटर/सेकेंड, 10 × 50 मीटर/सेकेंड उसका स्पीड है। तो इसका स्पीड आप दो तरीका से समझ सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि एक घंटा में कितना दूर जाएगा, तो 180 किलोमीटर जाएगा, 180 किलोमीटर/आवर, हर एक घंटा 180 किलोमीटर जाएगा। देखिए अगर आप इसी स्पीड से आप देखिए, तो ये वाला चीज़ आपका आ जाएगा एक घंटा में 180 किलोमीटर, फिर आपका दूसरा घंटा में फिर 180 किलोमीटर, तो 180 180, 360 किलोमीटर हुआ। उसके बाद आधा घंटा में, क्योंकि 2.5 घंटा है ना, तो 2 घंटा में 360 और आधा घंटा में जाएगा आपका 90 किलोमीटर, क्योंकि एक घंटा में जाता है 180 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 90, तो 360 और 90 250। आप ना लॉजिक से सवाल को तोड़ सकते हैं, आप मेरा समझाने का मतलब समझ रहे हैं, लॉजिक से हम सवाल को तोड़ सकते थे, इसी लॉजिक से बिना पिन लगाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 50 मीटर/सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं इस सवाल पे, ध्यान दीजिए। कहता है कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर। पाइप ए जो है एक टंकी को 12 घंटा में भरता है, जबकि बी एक्स आवर में खाली कर सकता है। देखो पाइप ए जो है भरने का काम करता है और पाइप बी जो है खाली करने का काम करता है। तो पाइप ए जो है 12 घंटा में भर लेता है और पाइप बी जो है आपका एक्स घंटा में खाली कर लेता है। यदि दोनों साथ में, अगर दोनों पाइप को साथ में खोल दे, एक से पानी भरेगा और दूसरा पाइप से पानी बाहर जाएगा, तो टंकी 30 घंटा में भर जाएगा। अब देखो टंकी भर रहा है, इसका मतलब आपको ये समझना है, थोड़ा सा आपको बेसिक बता देते हैं। टंकी भर रहा है इसका मतलब आपको ये समझना है कि जो भरने वाला पाइप है ना, वो ज़्यादा तेज़ी से भर रहा है और खाली करने वाला जो है वो धीरे धीरे खाली कर रहा है। मतलब भरने वाला पाइप का क्षमता ज़्यादा है, खाली करने वाला पाइप का क्षमता कम है, तभी टंकी भरेगा। अगर खाली करने वाला पाइप का क्षमता ज़्यादा रहेगा और भरने वाला पाइप का क्षमता कम रहेगा, तो टंकी नहीं भरेगा, वो खाली हो जाएगा, टंकी खाली ही रहेगा हमेशा। समझे बात को? तो ऐसा सवाल आपके सामने आएगा, तो टाइम एंड वर्क जब आपको पढ़ाएंगे ना, उसी का ये हिस्सा है, पाइप एंड सिस्टम, इसको हिंदी में नल और हौज भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस सवाल को समझिए। ठीक है,
तो जी सीधा सीधा समझिए कि दो पाइप है, ठीक है, ए जो है लेता है 12 घंटा और दोनों ए प्लस बी जब मिल के काम करता है तो लेता है 30 घंटा। देखो ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है, ए काम कर रहा है भरने का लेकिन बी काम कर रहा है खाली करने का, तो भाई ए को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो ए बोलेगा कि हम काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव और साला तुम काम कर रहा है डिस्ट्रक्टिव। तो इसीलिए कहा जाता है कि ना बी को दीजिए नेगेटिव साइन और ए को दीजिए पॉजिटिव साइन, क्योंकि ए भर रहा है और बी उसको उसमें से घटाते जा रहा है, खाली कर रहा है। तो देखिए 12 और 30 का एलसीएम बोलिए फटाक से, 60, 12 घंटा में 60, अगर 60 पानी भरता है, मान लेते हैं कि 60 पानी भरना है, ठीक है, तो हर घंटा कितना भरेगा? 5। 30 घंटा में 60 पानी भरता है तो हर घंटा में कितना? 2 भरेगा, दोनों मिलकर। अब यहीं पे समझिए कि ए का क्षमता कितना है भाई? 5। लेकिन ए और बी जब मिल के काम कर रहा है तो टंकी में पानी जा रहा है 2, ए भैया 3 पानी कहाँ जा रहा है भाई? ए का अकेले का टंकी को भरने का क्षमता कितना? 5 है ना। तो भाई ए यहाँ भी है बी के साथ में, तो ए और बी जब दोनों मिल के काम कर रहा है तो यहाँ पर टंकी में पानी जा रहा है 2, 3 पानी कौन खाली कर रहा है? तो भाई बी ना 3 खाली कर रहा है, 3 खाली कर रहा है। तो अब देखिए बी का क्षमता क्या है? 3, और वो भी माइनस के साथ क्योंकि ये खाली कर रहा है। ए का क्षमता क्या है? 5। ये डालता होगा 5, उसमें से 3 ये कर देता है खाली, टंकी में कितना बचेगा हर घंटा? 2 ही ना बचेगा, 2 ही बचेगा, ठीक है। इसका मतलब बी का क्षमता क्या है? 3। ये जो है 3 हर घंटा खाली कर सकता है। आप इसको ऐसे समझिए एक मिनट के लिए कि टंकी में मान लो कि 60 लीटर पानी आता है फुल, तो बी ए जो है 12 घंटा में 60 लीटर भर देता है तो हर घंटा 5 लीटर भरेगा। समझना है आपको, ये क्षमता, ये टंकी का क्षमता नहीं है, ये टोटल वर्क 60 यूनिट है, 60 यूनिट है। हम इसको लीटर के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको लीटर मत समझिएगा, फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में टंकी का क्षमता भी पूछेगा लीटर में, तब वहाँ फंस जाइएगा। नहीं, मान लेते हैं कि 60 लीटर पानी, तो ए जो है हर घंटा 5 लीटर भरता है। अब जब दोनों मिल के काम करता है तो ए तो भरता होगा 5, लेकिन यहाँ दिखा रहा है कि टंकी में पानी जा रहा है 2, इसका मतलब बी जो है 3 खाली कर रहा है हर घंटा। अब पूछा है कि एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, इसका मतलब एक्स जो है कितना, बी जो है कितना घंटा में टंकी को खाली कर देगा? तो भाई हर घंटा कितना खाली कर रहा है? 3, तो 60 खाली करने में 60/3 मतलब 20 घंटा में, 20 आवर्स में बी जो है अकेले पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर देगा। तो भाई एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 20 हो गया, 20 हो गया। समझ में आया आपको? बात समझ में आया? दोनों सवाल हम आपको आसानी से समझा पाए। देख भाई समझाने में वक्त लगा, बनाने में वक्त नहीं लगेगा, इसीलिए एक बार बढ़िया से समझ लो। इस चैनल पे आपको क्या मिलता है भाई, तुम सोचो क्या मिलता है? लंद फंद देवानंद आचार विचार कुछ नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मिलता है जो आपके एग्जाम में आता है, आएगा, ठीक है। बाकी काम के लिए बहुत सारा चैनल है, नोटिफिकेशन बताने के लिए, झूठ मूठ का वैकेंसी बताने के लिए, है ना, और सारा चीज़ हवा हवा बनाने के लिए बहुत सारा चैनल है। वो लोग अपना काम बढ़िया से कर रहे हैं, तो हम लोग अपना काम बढ़िया से कर देते हैं, आपको इस पे सिर्फ हम लोग कंटेंट देते हैं। बदले में चाहते क्या है? आपका सपोर्ट चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, लाइक कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, शेयर मार दीजिए पूरा सोशल मीडिया में अपने फ़ोन से, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर कहता है कि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 12/13 देन 2 कोट थीटा प्लस 13 कोस थीटा का वैल्यू कितना है? ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है हिंदी वालों के लिए। इफ़ का मतलब यदि, साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखेंगे हिंदी में, 12/13 देन मतलब तो या तब, 2 कॉट थीटा प्लस 13 कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा? साइन थीटा का वैल्यू 12/13 दिया हुआ। समझाने के लिए आपको बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, सबको समझ में आएगा, ठीक है। ये एंगल को माने थीटा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब है, और ये हमारा हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है।
तो साइन थीटा जो है लंब और कर्ण का अनुपात बताता है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का अनुपात बताता है साइन थीटा, जो कि आपका 12 है और आपका 13 है, ठीक है। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जो हमारा आधार है, बेस है, वो निकल के आएगा 5। लेकिन आपको याद रखना है कि 5, 12, 13 क्या है, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट आप लोग जानते होंगे, ट्रिपलेट है, ठीक है। तो 5, 12, 13 क्या है, हमारा ट्रिपलेट है। अब हम लोग परीक्षा में ऐसे सवाल के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। वैसे जानकारी के लिए जिनको नहीं मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इस फॉर्मूला से भी हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिपलेट याद रखना होगा, 5, 12, 13, ठीक है। अब देखिए सबका वैल्यू आपके सामने है, 2 cot θ जो है, cot जो है आधार और लंब का अनुपात बताता है, मतलब ये 5/12 प्लस 13 cos θ जो है वो आपका आधार और कर्ण का अनुपात बताता है, b/h मतलब 5/13। तो भाई 13 से 13 निपट गया हमारा, ठीक है। ये 5 × 10/12 प्लस 5, यही ना बचा भाई। तो ये हो गया आपका 12×5 = 60, 60 × 10 = 70/12। इसको काट देंगे, 2 से भागा देंगे, तो 70/12 को 2 से भागा देंगे तो 35/6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझा के बताने में इतना वक्त लगा, नहीं तो वक्त नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 24 और 60 का तृतीय अनुपात, थर्ड प्रपोर्शन क्या है। देखिए थर्ड प्रपोर्शन होता क्या है, अनुपात और समानुपात में समझिए, ठीक है। जो थर्ड वाला प्रपोर्शन होता है, इसको हम अभी हटा दे रहे हैं यहाँ से फिलहाल, ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख लिए होंगे। तो जो तीसरा वाला प्रपोर्शन होता है वो ये होता है, अगर ये ए है, अनुपात बी है, समानुपात बी है, और अनुपात क्या है, सी। तो जो सी हमारा है ना, वो थर्ड प्रपोर्शन को बताता है। देखिए इसमें 3 प्रपोर्शन है, ए, बी और सी। बी हमारा दोनों जगह बराबर है, तो ए के जगह पर क्या रखेंगे, 24, बी के जगह पर क्या रखेंगे, 60, समानुपात 60 और समानुपात, सी हमारा क्या है, थर्ड प्रपोर्शन है। तो अनुपात का मतलब क्या, भागा, और समानुपात का मतलब क्या, बराबर। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 24/60 = 60/C। तो हमें C का वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 60 × 60, ठीक है। तो आप इसको काट लीजिए, 12 × 24 और 12×5 = 60, और 2 से काट लीजिए, आपका 5 से 2 से 12 में। तो जी C का वैल्यू क्या निकल के आया, C का वैल्यू 60 निकल के आया, 12×5 = 60, गलत नहीं ना हो गया। एक बार सॉरी फिर से देख लीजिए एक बार, ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 24/60 = 60/C। तो हमें C का वैल्यू चाहिए, तो ये मेरा हो जाएगा 60 × 60/24, ठीक है। तो 12 × 24 और 12×5 = 60, और 2 से काटेंगे तो 30 में, मतलब 30×150 हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड प्रपोर्शन। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। 56 और 50 का एलसीएम निकालना है, 56 और 50 का एलसीएम निकालना है। तो ये भैया आप निकाल के बताइएगा कि 56 और 50 का एलसीएम कितना होगा। सी 6 नंबर देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो 5x/3 − 7/2 × 2x/5 − 1/3 = 1/3 होता है। तो x का वैल्यू हमसे पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो भैया आप जरा इसको सिंप्लीफाई करिए, x का वैल्यू क्या होगा। नहीं अगर आपसे होता है तो हम आपके लिए सिंप्लीफिकेशन कर दे रहे हैं। अच्छा, ये 56 और 50 का एलसीएम निकाल के ना कमेंट मारिएगा कि कितना आया एलसीएम, कितना लोग का सही होता है। एलसीएम निकालना आना चाहिए आपको, पूछता है सीबीटी 2 में, एएलपी में पूछा हुआ है, एएलपी इनटेक में, देखिए ठीक है।
अब इस सवाल को सोल्व कर देते हैं पूरा डिटेल में, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का शिकायत ये है कि सर थोड़ा कैलकुलेशन ना आप बेसिक से करिए, कैलकुलेशन बेसिक से करिए, मतलब डिटेल से करिए। तो सबके लिए एक बार कैलकुलेशन डिटेल से कर देते हैं। अब देखिए, इसको सोल्व करके x का वैल्यू लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे, 5x/3 माइनस, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 × 14x/5 × 10 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 7 × 7/3 × 6 बराबर क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू आपको निकालना है ना, तो देखिए आप लोग बचपन में पढ़ाता है मास्टर सजातीय और विजातीय, सजातीय मतलब जो एक जात का है, जैसे कि x x वाला क्या है, एक जात का है, और 7/6 और 1/3 क्या है, एक जात का है, तो इनको एक साथ रखना होगा, समझा रहे हैं। तो 5x/3, अच्छा इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको ना इधर ले जाना है ना, तो देखिए 3 और 10 का LCM कितना, 10 × 3 = 30, 3 × 10 = 10×50x माइनस 10 × 3 = 14 × 42x बराबर 6 और 3 का LCM कितना, 6, और ये वाला पोर्शन ना इधर जाके माइनस में है, ध्यान दीजिएगा। तो 3 × 3 × 6 = 2 माइनस ये 6 × 6 कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब देखिए 50 में 42 गया तो कितना बचा, 8x/30 = −5/6, ये बचा हमारा, ठीक है, −5/6 ये बचा हमारा। तो देखिए 6 से 6 × 5 = 30, 5 गया ऊपर और x बराबर हो गया 5 × 5 = 25/8 और माइनस का साइन अपने जगह पे रहा, ठीक है। तो −25/8 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि इसको कैसे कैलकुलेशन करना था, इसका और कोई तरीका है ही नहीं, इसमें बेसिक से जाना ही पड़ेगा आपको। तो इसका आंसर क्या आया, −25/8, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, √0.2025 प्लस √0.1225 बराबर क्या होगा, सिंपल सवाल है। ऐसे सवाल में ना आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर सिंपल सा आपसे पूछ देता ये बात कि √20/25 + √12/25 = तो आप कहते √20/25 = 45 प्लस √12/25 = 35 और दोनों को जोड़ देते तो क्या हो जाता भाई, 80 हो जाता, आप आंसर बता देते। लेकिन पॉइंट लगा दिया है वो भी 4 अंक के बाद, तो अगर रूट के अंदर 4 अंक के बाद पॉइंट है तो जो नंबर रूट से बाहर निकलेगा उस पर 2 अंक के बाद पॉइंट रहेगा, क्योंकि 45 × 45 होता है 20/25, तो 20/25 को कैसे लिखा होगा, 0.4 × 0.45 और 1225 को कैसे लिखा होगा, 0.35 × 0.35। तो जब हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं तो सेम मल्टीपल वाला एक ठो निकालते हैं, इसका मतलब यहाँ से हमारा बाहर आएगा 0.45 और प्लस यहाँ से बाहर आएगा 0.35 और 45 और 35 जोड़ेंगे तो 80, मतलब 0.80, मतलब 0.8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका से आपको तोड़ना है कि ताकि आप फंसे ना। कहता है कि a² + b² = 53 एंड ab = 14 है, तो a + b का वैल्यू क्या होगा, a² + b² = 53, ab = 14 और a + b का वैल्यू पूछा है। देखिए इसको अपना डिटेल में जाके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, a + b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन पूछा है a + b का वैल्यू कितना होगा, a + b का वैल्यू कितना होगा। एक बात बताओ, अगर a² + b² का वैल्यू 53 है और ab का जो गुणनफल है वो 14 है, तो क्या हम 14 को 7 और 2 में तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अगर a हमारा 7 है और b हमारा 14 है
तो ए का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 49 और 4 53 कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ए प्लस बी 7 और 2 9 हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको हम बेसिक से भी जा सकते हैं, बेसिक भी उतना ही आसान है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस सवाल पे आते हैं, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इफ साइड इज 10 सेंटीमीटर। सम षटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका भुजा 10 सेंटीमीटर है। देखिए, सम षटभुज वो होता है ना, वो 6 भुजाओं वाला ऐसा फिगर होता है जिसका 6 साइड आपस में बराबर होता है, और एक सम षटभुज के सेंटर से उसका 6 वर्टेक्स को जब 6 शीर्ष को मिलाएंगे ना, तो 6 बराबर समबाहु त्रिभुज बनता है, और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा सम षटभुज रेगुलर हेक्सागन का का एरिया जो है निकल के आता है। नहीं समझे, समझिए, आपके लिए फिगर बना के समझाते हैं। ठीक है, इस सब को इसको मिटा देते हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले इसको समझ लीजिए क्योंकि ये छोटा है। कहता है कि 80% ऑफ 50% ऑफ 90, मतलब ये कहता है कि 90 का 50% का 80% कितना होगा। तो अब ये सिंपल है, 90 का 50% बटा 100, 80% मतलब 80/100। अब आप कैलकुलेशन कर दीजिए, ऊपर में ये हो गया 50 दूना 100, 2 से गया 40 बार में 0000, ये बन गया 9 गुना 4, 9 चुके 36 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये सवाल आसान था, आप इसको खुद से कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, थोड़ा डिटेल में बताना है और अच्छा से बताना है, एरिया का सवाल है। देखिए, तो जो एक सम षटभुज होता है ना भाई, इसका हर एक भुजा जो है वो जो है भैया बराबर होता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो सकता है बराबर ना बना हो, लेकिन हर एक भुजा अगर ये ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, तो इसका ईच साइड क्या है, बराबर है। और इसका सेंटर से देखिए, इसका ना 6 शीर्ष है, 6 वर्टेक्स है, 6 कोना है, 1 2 3 4 5 6, और 6 कोना को हम जब मिलाएंगे ना भाई, ऐसे ऐसे देखो, एकदम सीधा साधा भाषा में आपको समझा रहे हैं, तो ना 6 त्रिभुज बनेगा, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 जो त्रिभुज बनता है, ये 6 समबाहु त्रिभुज बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तो समबाहु त्रिभुज का भी क्या, तीनों भुजा बराबर, इसका मतलब ये जो अंदर वाला है ना, सब क्या ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, सब का सब क्या है, बराबर है। तो अगर इस रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालना है तो हम एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को, एक समबाहु त्रिभुज के, एक इक्विलेटरल के एरिया के एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या सब का नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो इसका ए का वैल्यू क्या दिया है, 10 दिया है, ए का वैल्यू क्या दिया है, 10 दिया है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, बोलेंगे सर √3/4 गुना ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या, 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 6, और इसी को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा रेगुलर हेक्सागन, RH, रेगुलर हेक्सागन। अब आप जरा कटम कुटाई कर दीजिए, तो 4 से काट दीजिए 25 बार में, और 25 × 150, तो ये हो गया 150√3, और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तीसरा नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ में आया आपको, मज़ा आया, समझ में आया, मज़ा आना चाहिए, पढ़ो तो मज़े से पढ़ो, समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिए, सबसे पहले सुन लो भाई, ये जो 11 नंबर सवाल है ये आपको खुद करना होगा, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 16 − 14 × 10/35 + 12 × 10/15 ऑफ 25% कितना होगा। नहीं होगा तो हम अभी आपको बता देंगे। इस सवाल पे आइए, कहता है कि एक घनाभ का क्षेत्रफल 236 सेंटीमीटर स्क्वायर है, चौड़ाई क्या है, इसका चौड़ाई क्या है यदि उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और लंबाई 8 सेंटीमीटर हो। घनाभ के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिख दिया मैंने TSA, टोटल सरफेस एरिया।
तो यहाँ पे हिंदी में क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, कुल छूट गया, कुल और पृष्ठीय हमसे छूट गया, माफी चाहते हैं। घनाब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में टी ऐसे लिखा हुआ, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। देखो तो जो घनाब का जो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो एरिया बराबर होता है 2 × LH + LB + BH, 2 × लंबाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमसे पूछा है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ए का वैल्यू कितना दिया है, 236। अच्छा यहाँ पर ए रहने देते हैं, तो यहाँ पर 236 सेंटीमीटर स्क्वायर है बराबर 2 × LH। LH क्या है, 8 × 48 प्लस LB, तो L मालूम है 8, B मालूम नहीं है, प्लस BH, H मालूम है 6, B मालूम नहीं है, ठीक है। तो 2 से इसको काट देते हैं, 236 को 2 से भागा देंगे, इधर आएगा 118 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इधर आपका, इधर भी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कट जाएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर यहाँ से आपका बचेगा बी का वैल्यू, तो आप उसमें ना उलझें। तो यहाँ से होगा 48 प्लस 8 और 6 14 बी, 118 में 48 दिया बचा 70 बराबर 14 बी, और बी बराबर कितना आया 5, बी बराबर कितना आया 5, मतलब जो इसका चौड़ाई है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस पे आइए, इसको आप समझ गए, कुछ नहीं था, लंबाई और ऊंचाई दिया हुआ था, चौड़ाई पूछ लिया था, क्षेत्रफल भी हमारा दे दिया था, ठीक है, समझ गए बात को। सीधा फॉर्मूला पे बिठा के कैलकुलेशन करना ही इसका एकमात्र विकल्प था और कुछ भी नहीं था। इस सवाल को देखिए, कहता है कि एक 64 किलोमीटर की चाल से चल रही एक ट्रेन 50 मिनट में निश्चित दूरी को तय करती है, 50 मिनट में एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर लेती है जब उसका स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर रहता है, तो इसी डिस्टेंस को, इसी दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए चाल कितनी बढ़ानी होगी। एकदम आसान सवाल है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं मेरे दोस्त, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये आप समझ गए होंगे क्योंकि इस सवाल को इधर बनाएंगे, ठीक है, इस सवाल को इधर बनाएंगे। देखो आप एक बात बताइए कि एक निश्चित दूरी है, तो वो दूरी हम कैसे निकालेंगे, 64 किलोमीटर की स्पीड से वो चलती है 50 मिनट तक, ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, चाल तो है 64 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है मिनट में, लेकिन स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में, तो हमको टाइम क्या चाहिए, आवर में, तो 50 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 50/60, या इसको हम ऐसे लिख लें 5/6, या इसको रहने देते हैं 50/60, और इधर क्या बन जाएगा किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर आवर से आवर नीचे से हमारा कट जाएगा। अब जरा इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए एक बार, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। इसी डिस्टेंस को कवर करना है 40 मिनट में, इसी डिस्टेंस को कवर करना है 40 मिनट में, ठीक है। अब जो है डिस्टेंस तो मेरा ये हो गया, टाइम दे दिया है 40 मिनट, तो इसको आवर में चेंज कर लेते हैं, तब हमारा स्पीड क्या होगा, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो देखिए डिस्टेंस हमारा है 64 × 50/60 और टाइम हमारा क्या है 40/50, तो इसको अगर हम पलट देंगे तो क्या हम इसको गुना में यहाँ पे 60 होगा ना, 60, तो इसको हम 60/40 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 60 से 60 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 16 बार में, 16/25 किलोमीटर पर आवर, हम पहले चल रहे थे 64 किलोमीटर पर आवर, अब चाहिए 80 किलोमीटर पर आवर, कितना बढ़ाना पड़ गया, 64 से 80 गए तो 16 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आया, इस तरीके से एग्जाम में आपको सवाल को तोड़ना होगा, इसको आप ना इसी में कैलकुलेट कर सकते थे इसी में, लेकिन समझाना है तो हम थोड़ा एक स्टेप आगे और बढ़ गए, ठीक है। इस सवाल को देखिए,
क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने छोड़ा है, तो भाई इसको भी बता ही देते हैं, नहीं तो बोलेंगे सर सब तो छोड़ देते हैं सिंप्लीफिकेशन वाला, ठीक है। नहीं, सिकवा शिकायत नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देखिए, ठीक है, जरा इसको देखिए, कर देते हैं हम। तो आपको ना बोर्डमास का रूल मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो भाई सबसे पहले भागा का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का, और उससे भी पहले ऑफ का काम करते हैं। तो ऑफ का काम करेंगे जब अंदर वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम पहले अंदर वाला को लिखते हैं, इसको 16 को और इसको छोड़ देते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 14 गुना 10 बटा 35 प्लस 12 गुना 10 बटा 15। अब देखिए कैसे होगा ये, 5 3 15 और 5 2 10 और ये 3 4 12, एकदम समझा के काट दे रहे हैं, ठीक है। और ये 7 5 35 और 7 2 14 और ये 5 2 10, यहाँ बचा 2 2 4 प्लस 4 2 8, 8 और 4 क्या बचा, 12 बचा। अंदर क्या बच गया, 12, और इधर क्या था, 16, और इस पर क्या था, ऑफ क्या था मेरा, ऑफ कितना था, 25%। तो हम 25 को हम क्या लिखेंगे, 25% को 1/4, ठीक है। तो इसको ना ऑफ का काम पहले कर दीजिए। ये मेरा फाइनली हो गया 16 - 12 × 1/4 और 4 3 12 और 16 में 3 गया तो 13 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 13 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस 23 तारीख वाला शिफ्ट में भाई, इस 23 तारीख वाला शिफ्ट में यही सब ना थोड़ा बढ़िया बढ़िया सवाल था। बाकी औसत निकालने का 2-3 सवाल था, माध्य निकालने का बिल्कुल निहायत ही आसान सवाल था, और भाई 3 से 4 सवाल था आपका DI से, जो कि DI इस बोर्ड पे बनाना मुश्किल काम है। हालांकि हम उसको भी बना के बता देंगे, क्योंकि भाई DI था ना, वो था हाइट वाला DI, ऐसा वाला DI, ठीक है, ऐसा वाला DI था। तो भाई इस DI को बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, हाथ से दिक्कत होता है, बन तो जाएगा लेकिन दिक्कत होगा, थोड़ा सा परेशानी होगा। तो हम ऐसा वाला DI भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये था आपका 23/1/2019 का सेकेंड शिफ्ट CBT2 ALP एंड टेक का सवाल, और सवाल का लेवल अच्छा था, आप इसमें से मैक्सिमम स्कोर कर सकते थे अगर आपका बेसिक ठीक है। तो आपको ये सवाल कैसा लगा, ये आपका आज का कंटेंट कैसा लगा, आप इसको ज़रूर बताइए, कमेंट में लिखिए, ठीक है। और भाई बाइलिंगुअल बोले, बाइलिंगुअल कर दिए। टेलीग्राम जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कर लीजिए ज्वाइन। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कर लीजिए ज्वाइन। भाई मेरे सपोर्ट ज़रूर करना, लाइक करो, शेयर मारो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि हम लोग समय से बहुत पहले ही जंग का तैयारी शुरू कर दिए हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि जंग का तैयारी हमेशा दुश्मन के औकात से ज़्यादा रखो, तब जाके आप मज़ा आएगा जंग करने में, ठीक है। तो आज के लिए यही रखते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।